जैसा कि कल हमने ख्यात पढ़ी, तो राजस्थान की पहली ख्यात हमने क्या पढ़ी? नैनसिरी ख्यात। अब नैनसिरी ख्यात किसने लिखी थी? मोणौद नैनसी ने लिखी। चलो अच्छी बात है। मोणौद नैनसी किसका दरबारी विद्वान था? जसवंत सिंह प्रथम का। अब जोधपुर का गजेटियर किसको कहा जाता है? नैनसिरी ख्यात को। और राजस्थान का अबुल फजल किसको कहा जाता है? मोणौद नैनसी को। मोणौद नैनसी किसका दरबारी विद्वान है? जसवंत सिंह प्रथम का। मारवाड़ प्रगनारी विगत किसने लिखी? मारवाड़ प्रगनारी विगत मोणौद नैनसी ने। मोणौद नैनसी। तो ये तो हमने बात की थी। इसके बाद हम बाकी दास की बात किए जा रहे थे। किसकी बात किए थे? बाकी दास है। बाकी दास री ख्यात। मान जसो मंडन कुकवि बत्तीसी दातारे बावनी। फिर हमने बात करी कि कुछ बावनियां जो है, एक सियासन बावनी है, सियासन है नहीं सॉरी बत्तीसी सियासन है बत्तीसी। अब सियासन के ऊपर 32 दातारो आदमी सुंदर लाग गए। फिर किरतार बावनी, तार टूटा तो दूर तुके अड्डो गयो। फिर स्वतंत्र बावनी केज कवि। फिर दुरसा अड्डा की बात किए थे कि हम बात किए थे दुरसा अड्डा की। मैंने कहा था दुरसा अड्डा बीकानेर के निवासी थे, बीकानेर के निवासी थे। और बीकानेर के थे उस समय जो अपने दिल्ली के अंदर जो बादशाह थे वो अकबर थे। अकबर का ये दरबारी विद्वान था। बाद में ये सिरोही के शासक शिव सिंह के शरण में रहता है। अंतिम क्षण वहीं पे सिरोही में बिताता है। तो दुरसा अड्डा दुमला बीकानेर से है। अकबर का दरबारी विद्वान है। करतिया किरतार बावनी हो रहे हैं, ये बात हुई थी अपनी। किरतार बावनी विरुद्ध छैत्री राव सुल्तानरा कवित मानसिंह जीरा झूलना। ये मानसिंह जीरा झूलना और राव सुल्तानरा कवित, राव सुल्तानरा कवित इन्होंने जो राव सुल्तान था सॉरी शिव सिंह नहीं था, ये सिरोही का शासक है राव सुल्तान। इसके बाद दयालदास की ख्यात हमने पढ़ी थी कि बीकानेर के शासक है रतन सिंह के दरबारी थे। बस इतना ही पढ़ा। सूर्यमल मिश्रण की बात की, वीर रसावता राजस्थान का राजकीय कवि कहा जाता है, राजस्थान का राजकीय कवि। और बूंदी के शासक राम सिंह प्रथम के दरबारी विद्वान थे। प्रारंभिक इनकी जो करती थी राम रंजान थी, अंतिम करती इनकी वंश भास्कर थी। कौन सी थी? वंश भास्कर। अंतिम करती इनकी वंश भास्कर। वंश भास्कर को पूरा किसने किया है? इनके दत्तक पुत्र मुरारी दान ने पूरा किया था। ये बात अपन पढ़े थे। इसके बाद हम करतियों की बात किए थे। वंश भास्कर वीर सत्सई सती रासो राम रंजांड बलवन विलास धातु रूपावली छंदम मयू छंदमयू उमेद चरित्र और बुध चरित्र। ये बातें पढ़े थे हम, उमेद चरित्र और बुध चरित्र। इसके बाद हम सूर्यमल मिश्रण की बात किए थे कि सूर्यमल मिश्रण जो पुरस्कार दिया जाता है वो राजस्थानी साहित्य कला संस्कृति अकादमी बीकानेर की द्वारा, जिसकी स्थापना 1983 में हुई थी। और सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो 1985 में प्रारंभिक तौर पे गया 21,000 रुपये का और बाद में 71,000, वर्तमान में 71,000 रुपये दिया जाता है। और सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1985 को। कब हुई थी? 1985 हुई। 1985 को जो पहला सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार दिया गया था डॉक्टर शक्तिदाने कविया की बात किए थे हम, डॉक्टर शक्तिदाने कविया को। इनकी जो करती थी उस संस्कृति की शौरम थी, संस्कृति की शौरम। शौरम आवे ने कई बार था ना, तो शौरम घनी आवे है बा है संस्कृति की शौरम की बात करे हो, संस्कृति की शौरम इसके ऊपर अनुस्वार है, यहाँ पे शौरम है सब। इसके बाद अगर हम बात राजशेखर की किए जाए थे, राजशेखर भी पढ़े थे हम। राजशेखर की बात की तो राजशेखर प्रतियार शासक महेंद्रपाल और महीपाल का दरबारी विद्वान था। साथ ही साथ ये महेंद्रपाल के गुरु भी हैं, महेंद्रपाल के गुरु हैं, संस्कृत के आचार्य थे। मैंने कहा संस्कृत भाषा में लिखा करते थे, एकमात्र कृति इन्होंने प्राकृत भाषा में लिखी थी वो थी इनकी नहीं काव्य मीमांसा। सॉरी ये गलती से लिखा गया है काव्य मीमांसा। ये इनकी ये जो काव्य मीमांसा जो करती है ये इनकी प्राकृत भाषा में, बाकी इनकी सभी कृतियां संस्कृत में है। इनकी कृतियां हैं
कावि मनसा कर्पूर मंजरी विंशाल वंजिका बाल रामायण बाल भारत भुवन कोश प्रबंध कोश हर विलास और प्रचंड पांडव। प्रचंड पांडव क्या बताया? कर्पूर कावि मानसा कर्पूर मंजरी विंशाल वंजिका बाल रामायण बाल भारत भुवन कोश प्रबंध कोश हर विलास हर विलास प्रचंड पांडे स्वाहा। बोले फिर आहा सागर सागर देता रहो के बोलो। अरे ऐसे नहीं, ऐसे ही स्वाहा स्वा बोलो पहले कावे। अरे ऐसे बोलो कावे मानसा कर्पूर मंजरी विंशाल वंजिका बाल रामायण बाल भारत भुवन कोश प्रबंध कोश हर विलास स्वाहा और प्रचंड पांडे आहा। ठीक है, याद हुई? क्या क्या बताए बोलो। शाबाश बेटा, क्या बोले हैं? कावे ऐसे बोलो कावे मानसा कर्पूर मंजरी विंशाल वंजिका बाल रामायण बाल भारत भुवन कोश प्रबंध कोश हर विलास स्वाहा प्रचंड पांडे आहा। याद हो? अब इसके बाद हम जो बात किए थे कुंभा की कृतियां किए थे। कुंभा की कृति में सबसे महत्वपूर्ण कृति की बात की थी हमने संगीत राज के। और संगीत राज में हमने कल बात पढ़ी थी कि संगीत राज इनका सबसे सर्वश्रेष्ठ और सबसे वृद्ध ग्रंथ है जिसके पांच भाग हैं। कितने भाग हैं? पांच भाग हैं। पहले तो मैंने कहा था याद कैसे करें, ये जो संगीत राज ग्रंथ है इसके अंदर तीनों विद्याओं का समावेश है, नृत्य का भी गीत का भी और वाद्य का भी। संगीत वादन और नृत्य तीनों विद्याओं का समावेश है। किसमें? संगीत राज में। संगीत राज में तीनों विद्याओं का समावेश है। संगीत की भी बातें आती हैं, नृत्य की भी बातें आती हैं और गीत की भी। संगीत हो गया यानी संगीत नृत्य और वाद्य तो हो गया गायन, गायन वादन और नृत्य। तीनों कलाओं का समावेश किसमें? संगीत राज में, जिसके भाग हैं पांच। पेपर में आते हैं जवानों ये पूछा जाता है कि संगीत राज के कितने भाग हैं? पांच भाग हैं। सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ मोणा कुंभा का सर्वश्रेष्ठ और वृद्ध ग्रंथ कौन सा है? संगीत राज। मोणा कुंभा की उपलब्धि और उनकी साहित्यिक कृतियों की जानकारी देने वाला, तो याद रखिए मोणा कुंभा की उपलब्धियों की जानकारी देने वाला संगीत राज, क्योंकि इसके अंदर देखो पाठ्य रत्न को मैंने कहा था ये पांच भाग कैसे याद रखें। पहले पाठ तैयार करो, उनका में गीत लिखा, वाद्य तैयार करो, बजायो, रस आयो, नृत्य करो, पंगड़ा पाले, आजा आजा कुंबल मेरे नाची, कौन नाची? कुंबल मेरे घरवाली है ना इसकी, कुंबल मेरे। इसके बाद कृतियां आ जाती है। कृतियां आपको मैंने याद करवाई थी एक साथ क्या क्या पढ़े थे, थोड़ा मैं इधर हो जाता हूं ताकि आपको दिख जाए, है ना। ये लो भाई, पहले तो याद ही है संगीत राज, तो क्या पढ़ा? संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत सुधा, संगीत करम दीपिका, सूड परबंध, सुधा परबंध, कामराज रति सार, हरि वर्तिका, बोले बाके भी हरि की जाओ। बोलो बोलो सागर सागर दोबारा बोलो। संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत सुधा, संगीत करम दीपिका, सूड परबंध, सुधा परबंध, कामराज रति सार, कामराज रतिसार, बोलो कामराज रतिसार, लास्ट में हरिवर्ती का कामराज रतिसार, बोले बाके बिहारी की जाओ। ये कामराज रतिसार जो ग्रंथ है काम सूत्र पर आधारित है। अब दोबारा सुने, दोबारा से क्या क्या बातें पढ़े हम? पहले संगीत राज, फिर संगीत मीमांसा, संगीत सुधा, संगीत करमदीपिका, सूड परबंध, सुधा परबंध, हरिवर्ती का कामराज रतिसार, और ये इसके तीन आगे फिर क्या? टीका ग्रंथ। टीका ग्रंथ में संगीत रत्नाकर, चंडी स्तक, रसिक प्रिया। रसिक प्रिया जो ग्रंथ हमने कल पढ़ा था कि जयदेव की कृति गीत गोविंद पर आधारित है, जबकि रसिक प्रिया मूल कृति किसकी है? केशव दास की। और संगीत रत्नाकर सारंग देव की और चंडी स्तक बाण भट्ट का है। ये बात पढ़ी थी हमने। इसके बाद देखो आज हमारा जो शुरू होएगा वो यहां से है, क्लास में यहां से शुरू करेंगे आज। देखो एकलिंग महात्म्य, एकलिंग महात्म्य ये कोमा नहीं बेटा, एकलिंग महात्म्य ये पूरा ग्रंथ है। महात्म्य ऐसे ही बाय मिस्टेक लिखा गया है। एकलिंग महात्म्य ग्रंथ की रचना मोणा कुंभा ने इस भाग को लिखना शुरू किया। मोणा कुंभा ने एकलिंग महात्म्य को लिखना शुरू कर दिया। अब भाई राजा वाजा था, राजा थे, राजा के पास इतना टाइम थोड़ी है भाई,
कलम चलाए। जैसे आप लोग राजा हो तो आपको पढ़ने का मन नहीं करता, है ना, जो नहीं पढ़ते वो राजा और नहीं पढ़ती वो रानी, है ना, फिर गाना गाते हो राजा को रानी से प्यार हो गया है। अब देखो एक एकलिंग महात्म्य की बात करें अपन, एकलिंग महात्म्य जो ग्रंथ लिखा बेटा उस समय महाराणा कुंभा स्वयं एक राजा है और स्वयं ने लिखना शुरू कर दिया। पहला भाग लिखा ही था और पहले भाग का नाम था राजवर्ण। क्या था? राजवर्ण। खुद ने लिखा, सोचा यार इतना और बड़ा चौड़ा कौन लिखेगा, राजवाज भी संभालना है। अब राजवर्णन के बाद इनका एक दरबारी विद्वान था जिसका नाम था कनाव्यास। क्या था? कनाव्यास। ये वैतनिक दरबारी था। वैतनिक का मतलब होता है लिखेगा तो पैसा मिलेगा, है पैसा मिलेगा, नाच में और मेरी बुलबुले पैसा मिलेगा, इसको कहता नाच मेरी बुलबुले, नहीं लिखना मेरी बुलबुले पैसा मिलेगा, ये लिखने का काम था। अब कहना व्यास ने लिखना शुरू किया। 18 भाग हैं इसके, कितने? 18। पहले भाग का नाम राजवर्णन है और पहला भाग इसमें माणा कुमार ने लिखा। शेष जो 17 भाग हैं, शेष 17 भाग का नाम व्यास ने लिखा। 18 खंड 4 भाग में है, 4 भाग मतलब अलग अलग, और उसके अंदर 18 छोटे छोटे पद हैं। 18 खंड 4 भाग, 18 पुराण के, पुराण कितने होते हैं? 18। 18 क्या होते हैं? पुराण। वेद कितने होते हैं? 4। क्या कितने होते हैं वेद? 4। इसीलिए इसको 5वां वेद 19वां पुराण कहा जाता है। इसके भाग कितने हैं? 18। इसके भाग तो है सॉरी 4 खंड है इसके, 18। इसीलिए इसको तुलना किससे की जाती है? पुराणों से, इसीलिए इसे 19वां पुराण कहते हैं। ये बात तो आपको समझ में आई। मैंने कहा एकलिंग महात्म्य की अभी बात की चले थे अपन कि एकलिंग महात्म्य के प्रथम भाग, अगर हम प्रथम भाग इस भाग की बात करें, एकलिंग महात्म्य में बात की कि प्रथम भाग जो लिखा है इसके अंदर, प्रथम भाग किसने लिखा है? प्रथम भाग इसमें, प्रथम भाग का नाम क्या है? राजवर्ण। और इस राजवर्ण को लिखा किसने? माणा कुंभा ने। शेष 17 भाग किसने लिखे? कान्हा व्यास ने। और कान्हा व्यास महाराणा कुंभा के वैतनिक दरबारी विद्वान है भाई, लिखने के पैसे मिलते थे। अब देखो मंडन की बात करते हैं। मंडन वो खेते ब्राह्मण को छोरो गुजरात को रहनाड़ो है। मंडन का नाम सुना होगा आपने, मंडन, मंडन का भाई नाथार, मंडन का बेटा गोविंद। अब देखो मंडन की बात करें, अब ये लो थोड़ा सा मंडन, अब सुनना। मंडन गुजरात का निवासी है, खित्ते ब्राह्मण को छोरो है और महाराणा कुंभा के दरबार में शिल्पी है। विशेष क्या है? शिल्पी, शिल्पी का काम करता है। और आपको ये भी पता होगा कि कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी भी महाराणा, सॉरी कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी जो है वो मंडन है। और कुंभलगढ़ दुर्ग के जो निर्माण करवाया गया है वो 48 से लेकर है 58 तक, 1448 से लेकर 1458 ईस्वी तक होता है कुंभलगढ़ दुर्ग का। और कुंभलगढ़ दुर्ग को ही क्या कहते हैं? मत्स्य दुर्ग कहते हैं, महोर दुर्ग कहते हैं, महेंद्र दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? महेंद्र दुर्ग के। तो मंडन की जो कृतियाँ हैं, मंडन, एक तो मैंने बताया कि मंडन ने कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी रहा है प्रमुख, माणा कुंभा का प्रमुख शिल्पी रहा है। और इनकी जो मंडन की जो करती हैं पेपर में, ये बात बार बार पूछी गई है, राजवल्लभ के बारे में पूछा गया। देखो ये राजवल्लभ करती, एक आता है विश्ववल्लभ, राजवल्लभ, एक आएगी विश्ववल्लभ। विश्ववल्लभ चक्करपाणी की करती है, किसकी है? चक्करपाणी की। और ये चक्करपाणी कौन है? महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान है चक्करपाणी। और पेपर में बार बार पूछा गया कि चक्करपाणी किसके दरबारी विद्वान है। आप लोग कहोगे चक्करपाणी की बात करें तो चक्करपाणी तो महाराणा प्रताप का दरबारी विद्वान है। अहिया याद रखियो कि अकबर ने महाराणा प्रताप है चक्कर में डाल डाल के पानी बह दियो और पूरे विश्व के चक्कर कटा दिया। ऐसे ही याद रख लो बस। क्या कही बने बात? राजवल्लभ, देखो इनकी करती है बात करेंगे, एक तो देवता मूर्ति प्रकरण, देवता मूर्ति प्रकरण करती को ही रसावतार मंडन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देवता मूर्ति प्रकरण को ही रसावतार मंडन कहा जाता है। सारी कृतियां याद करेंगे, टेंशन नहीं, याद करवाऊंगा।
ये रूपावता। तो देवता मूर्ति प्रकरण की बात करें तो देवता मूर्ति प्रकरण इनका करती है रूप, इसको रूपावतार मंडन कहा जाता है। इसमें क्या विशेष है? मूर्ति प्रतिमा के जो निर्माण करने के जो उपकरण होते हैं, जो औजार हुए, कोई छवड़ी हुए, कोई फावड़ हुए, उनको वर्णन है कि मूर्ति निर्माण कराना तो किसके चाहिए, मूर्ति का निर्माण करते हैं तो हमें किन किन औजारों की जरूरत पड़ती है, कौन कौन से उपकरणों की जरूरत पड़ती है। जी घर रोटी बनाओ तो क्या क्या की जरूरत पड़े हैं, तो वह की जरूरत पड़े, गैस न हो तो चूल्हे की भी जरूरत पड़े। पहली चोट तो माचिस की, और माचिस क्या का बड़ी तो चाहिए भाई, क्या चाहिए बड़ी तो जानो नहीं, हाँ बड़ी तो चाहिए पहले। तो भैया ही के एक मूर्ति बनानी है तो मूर्ति खातर कौन सा उपकरण चाहेगा, तो बात कही है देवता मूर्ति प्रकरण में रूपावतार मंडन के नाम से जानी गई करती। इसके बाद राजवल्लभ, राजवल्लभ करती में मूर्ति कला और मूर्ति निर्माण की जानकारी कि मूर्ति कैसे बनाई जाए, नाक कहीं की लगानी है, बड़ी नाक लगानी है, छोटी नाक लगानी है, कान को आकार के लेनो है, सारी बात बताई। यानी देवी को आकार के हुए, कई बार इसे हुए कि सिर्फ छोटो देवी बड्डी हो जावे, है ना। तो मूर्ति का आकार में इसने ये बात कही किसमें, प्रसाद किसमें, राजमंडन में, राजवल्लभ की मूर्ति कला का निर्माण उसकी जानकारी, मूर्ति कहाँ की बनानी है, मूर्ति को नाक कहाँ को देना है, उनका होठ कहाँ का लगाना है, उनका दांत दिखाना कौन दिखाना, कांडा को डट बनाना ही, ऐ बात कह मिले राजवल्लभ में। अब प्रसाद मंडन की बात करा, प्रसाद को मतलब बा प्रसाद को नहीं है, प्रसाद एक प्रसाद हुए, एक प्रसाद हुए, हिंदी में युगम शब्द पढ़े होंगे आप लोग, कभी पढ़े होंगे, एक होता है प्रसाद और एक होता है प्रसाद। प्रसाद तो थे मंदिर मंदिर में जाओ बोल प्रसाद लेके, और कई बार तो अपने गामाड़ी भाषा में नहीं कहते ना मैं प्रसाद दे दूँ, वो चुप रह गई, कई बार गामा का भाषा हम टावरान देखे हैं बब्बा उपस में, ओए मेरे सागरवादी नहीं करोगे नहीं तो मैं तेने प्रसाद दे दूँगा, हैं क्या दे दूँगा प्रसाद। तो भैया अबादी अपने गामा की भाषा में दो बात कहें कि घर तो अबादी करे बाढ़ कुछ माद हुए, क्या कहें कि घर तो करें तो क्यों बाण भैया लड़े हैं, तो मम्मी वो अबादी करे भैया बोल लोगो मम्मी अबाइली अड़बादी करे, पर बारने करे बाकी हुए कुछ मात, तो कुछ मात और बाद में याद रखियो अंतर भी हुए, बारने करे तो कुछ मात दी है और घरा करे तो अड़बादी है। तो देखो अड़बाद रूबूत तो होगी, अब देखो मंडन कह कह के सागर अड़बाद करी हुए और देख लियो आपने, एक है रूप मंडन, रूप अरे रूप भी कहें को मूर्ति कला के विषय ग्रंथ है, मूर्ति कला के विषय ग्रंथ उसके भाई उनको डिजाइन कहीं को लेना है भाभी मूर्ति कला के बारे में। देखो मूर्ति कला और उसके निर्माण की जानकारी तो मिलती है राजवल्लभ में, और मूर्ति कला के विषय ग्रंथ कौन सा है, रूप मंडन, वास्तु मंडन है। वास्तु मंडन को मतलब है वास्तुकला, वास्तुकला का सविस्तार जानकारी मिलती है, वास्तुकला समझ रहे हो ना आप लोग किस प्रकार से इसको आकार दिया जाए। एक इससे वास्तविक वास्तु सार है, एक है वास्तु मंडन है और एक है वास्तु सार। रूप मंडन मूर्ति कला के विषय ग्रंथ है, वास्तु मंडन मूर्ति कला का सविस्तार जानकारी मिलती है, वास्तु सार वास्तु कला की इसमें जानकारी मिलती है वास्तु कला की। कोदंड मंडन, कोदंड मंडल को मतलब हुए कि कोई भी कौन सी प्रकार की अड़बादी कर दे, वो अड़बादी और कुछ मादी जो टाबर हुए उन कई दंड दिन हुए बातें सब बुढ़ाए मानने को या कान कटवा के मानने को, है ना। तो इसमें को दंड का मतलब है दंड विषय ग्रंथ है, दंड का विधि विधान लिखा है इसमें, दंड का विधि विधान समझ रहे हो, दंड विधि विधान क्या होता है भाई, कौन सी अड़बादी करेगा वो तो कौन सी सजा मिलेगी, बे क्या लिखा कि कोदंड नाम से ही पता चल रहा है। तो कोदंड विषय ग्रंथ यानी दंड विषय ग्रंथ होता है, धनुर्विद्या की जानकारी मिलती है, दंड के साथ साथ कौन सी धनुर्विद्या के बारे में भी बताया गया है। वैद मंडन है, अगर लाग जा दवाई पानी भी देनी है तो वैद प्राथमिक शिक्षा के करनी, पट्टी बांधनी कौन पाड़नी, अब लागनी चाहिए कि नहीं लागनी चाहिए, पानी में भिगोनो चाहिए कि नहीं भिगोनो चाहिए, तो प्राथमिक चिकित्सा की क्या मिलेगी हमें जानकारी। अब सुगुण, आपने कहने सगुण सगुण मंडन सुगुण शास्त्र, बोले बेटा खाटो खा के जाए बेटा पेपर देना जा हमें, आऊती आवे मुँह लटकाऊती आवे था ना बताओ। और अब की बात तो ये रीट के पेपर में पता नहीं बच्चों को क्या हो गया भाई, लगता है इजी है, क्या है इजी, 110 करे बाद में हाथ कौन डट्यो बेरो को नहीं, 130 चल जाएगी 140 चल जाएगी, मैंने उनको इसी एक्सीलेटर पे पैर टेक्यू बताओ 150 क्वेश्चन आ किता
150 क्वेश्चन अगर हो मैं 200 का 200 मैं नुकू करकार के मन ने ना भाई भाई तो क्वेश्चन थोड़ा दिया 150 दिया नहीं तो कई तो 150 में कई बन सोच मोर रहे तो नहीं गयो कि देख देख के बका चुन चुन के मारू मैं वो सुनिए ना वो बात तो भैया चुन चुन के क्वेश्चन करें इटावरा एक बाद में सगुन मंडन किसकी है शुभ है शुभ की जानकारी मिलती है। अब देखो ये आपकी कृतियां आ गई सारी। अब देखो कौन कौन सी कृतियां पढ़ी हमने देवता मूर्ति प्रकरण जिसे कहते हैं रूपावतार मंडन इसके बाद राजवल्लभ राजवल्लभ मोटी मोटी बात ध्यान रखो राजवल्लभ भी यहीं की है रूप मंडन भी यहीं की है वास्तु मंडन भी यहीं की है वास्तु सार भी यहीं की है वेद मंडन भी यहीं की है सूर्ण शास्त्र सगुण मंडन भी यहीं की है। कौन सी कौन सी करती है बात करिए आप देवता मूर्ति प्रकरण रूपावतार मंडन राजवल्लभ राजवल्लभ प्रसाद मंडन रूप मंडन वास्तु मंडन वास्तु सार कोदन मंडन है फिर पकड़ो स्पीड स्पीड पकड़ो भैया देवता मूर्ति प्रकरण राजवल्लभ प्रसाद मंडन रूप मंडन वास्तु सार कोदन मंडन बोले बाकी बिहारी की जाओ फिर बोलो देवता मूर्ति प्रकरण रूपावतार मंडन बोलो देवता मूर्ति प्रकरण रूपावतार मंडन राजवल्लभ प्रसाद मंडन रूप मंडन वास्तु मंडन वास्तु सार कोदन मंडन वेद मंडन सगुन मंडन स्वाहा वही नहीं। अब दो तीन बार बोलने मैंने तू भी बोल दूर दूर लगा के तुम बोल रहे हैं ना वही पावा आजकल बिना मैं रोए तो देखो तो मम्मी गोद खोल ले बट बेरो है ना क्योंकि टाबर था बताऊँ पहली मम्मी खाया करती बाजरे का टिकट टाबर पड़े रहने दूंगा मैं कहया करती मान लो छोरो तो बड़ो सिद्धो साधो है भाई छोरी रोण को नाम ही खोल न्यू को उनके मम्मी साथ है खाओ के हो बाजरे का टिकट का वो एड्रेट को प्रभाव है न सो रहे टाबर का। अब देखो अब मंडन को एक बेटो हो सा अब अपन एक से ही लेनो देनो अपन कुन भी रुके हा पर एक को ध्यान रखना क्योंकि अपने पेपर में आवे मंडन और इसकी करती उदार दोरणी कला निधि द्वार दीपिका कौन कौन सी उदार दोरणी कला निधि द्वार दीपिका उदार दोरणी कला निधि द्वार दीपिका और पेपर में पूछा जाता है कि निम्न में से महाराणा कुंभा की कृति नहीं है उत्तर में देता है कला निधि तो कृति किसकी है मंडन के बेटे गोविंद की एग्जामिनर सोचे टब्बर सोचे कला निधि है कला निधि है तो महाराणा कुंभा तो गणी कला कृति बनवाई है आ तो है ही है। वो पेपर में बहुत बार प्रश्न पूछे गए कि निम्न में से महाराणा कुंभा की कृति नहीं है तो कला निधि है। अब आपके दिमाग में आना चाहिए यार कलानिधि है नहीं है तो फिर है किसकी किसकी है गोविंद की तो कौन कौन सी है कौन कौन सी करती उदार दोरणी कलानिधि द्वार दीपिका कौन कौन सी है उदार दोरणी द्वार दीपिका उदार दोरणी कलानिधि द्वार दीपिका उदार दोरणी कलानिधि द्वार दीपिका गोविंद को देना है किसको देना है गोविंद को। चलो भाई बेचाओ कि मैं थोड़ू बहुत बोलो उदार दोरणी कला निधि द्वार दीपिका गोविंद कौन कौन है उदार दोरणी कला निधि द्वार दीपिका गोविंद करती किसकी गोविंद की। अब देखो गोविंद मंडन के एक भाई भी है तो भाई है तो पप्पा भी है न्यू कदे कदे न्यू कद पप्पा भी हो के तो गोविंद का भाई नहीं सॉरी मंडन का भाई है नाथा और नाथा की करती ऐसा वास्तु कौन सी वास्तु मंजरी। अब वही बात फिर मंजरियां आई हैं याद होनी चाहिए रस मंजरी किसकी है रस मंजरी जानकवि कर्पूर मंजरी राजशेखर राग मंजरी पुंडरीक बेठ पुंडरीक बेठर याद होनी चाहिए ये सारी करती हैं आपको रस मंजरी किसकी है जानकवि की मंडन के भाई नाथा की करती कौन सी है वास्तु मंजरी रस मंजरी किसकी बताई अरे भैया जान है तो जहान है रस है ना तो एक तो देखो मैंने जानकवि की करती बताई थी रस मंजरी रस कोश रस तरंगिणी रील में बताई थी नहीं शायद ये गलती नहीं हुई हमसे पहले हैं ये गलती कर चुके। देखो जानकवि की लियाकत कली की यानी क्याम खा रासो क्याम खा रासो पढ़ा आपने क्याम खा रासो किसका है जानकवि का है। क्याम खा रासो के साथ हमने पढ़ा कि जानकवि की जो करती है एक तो है रस मंजरी रस कोश और रस तरंगिणी अरे जब ज्ञान आ गई तो सारी बात रस रस की करता है
किसकी कर रहे हैं? अरस की। मंदिरी भी देता है, कोष भी रखता है और तरंगिणी की भी बात करता है। तो रस मंजरी जानकवी की, राग मंजरी आपने एक बात पढ़ी थी पुंडरीक बीठल। अरे बैठो बैठो बीठल है बेटा, ये बीठल नहीं है, बीठल है बीठल। और राग मंजरी बैठो बैठो राग में गाओ हो तो राग मंजरी। अरे राजशेखर कह को राज हुए तो वो केकम मंगवा ले कपूर। बोले आऊं तो इन्हें राजगढ़ जा रहे हो तो आऊं तो कपूर ले ही नहीं तो जाने मैंने श्याम का टिकड़ा की ओरी बाट डिक्का को क्यों देवदास। या देखो हमारे सोनूड़ो बाबूड़ो ठीक कवे भाई। एक बाद में देखो चक्कर पानी की बात। अपा देखो थोड़ी देर पहले एक बात करी थी माणा प्रताप के दरबारी विद्वान चक्कर पानी की, थोड़ी देर पहले बात हुई थी विश्व वल्लभ के बोल के गया था, है ना। तो चक्कर पानी जो है माणा प्रताप के दरबारी विद्वान है। चक्कर पानी कौन है? माणा प्रताप के दरबारी विद्वान है। इनकी जो करतिया है, एक तो विश्व वल्लभ, विश्व वल्लभ मैं कहा कि विश्व वल्लभ जो करती है वो राज चक्रपाणी की है, जबकि राज वल्लभ जो करती है वो मंडन की है। किसकी है? मंडन की। तो यहाँ पे विश्व वल्लभ करती किसकी है? चक्रपाणी। हमें इससे कोई मतलब नहीं आगे मेवाड़ की भौगोलिक प्राकृतिक जानकारी मिलती इस ग्रंथ में। मूर्तमाला मूर्त मातंडे, कई बार पेपर में मूर्तमाला नाम आ जाता है, कई बार मूर्त मातंडे नाम आ जाता है। राज तिलक पत्ती राजाभिषेक पत्ती, राज तिलक पद्धति या फिर राजाभिषेक पत्ति और व्यवहार दर्श करती किसके? चक्कर पानी की। हमने जो चक्कर पानी की बातें की महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान है, महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान है। एक तो इनकी करती हमने पढ़ी विश्व वल्लभ, तो दिमाग में आ रहा है यार ये विश्व वल्लभ है तो एक वल्लभ और भी आई थी ऐसे ही याद होगा। तो विश्व वल्लभ किसकी है? चक्कर पानी की, जबकि राज वल्लभ किसकी है? पुंडरी के नहीं मंडन के, मंडन के करते। इसके बाद मूर्तमाला, भाई विश्व वल्लभ आ गया मूर्त काट के विश्व की सैर करे हो तो विश्व विश्व वल्लभ हो गया। विश्व वल्लभ मूर्तमाला या मूर्त मातंडे, एक आता है राज तिलक पत्ती या राज्याभिषेक पद्धति, एक आता है व्यवहार दर्श। माणा प्रताप का एक दरबारी और रहा है जिसका नाम जीवधर है। जीवधर ने करती लिखी थी अमरसार, क्या लिखा था? अमरसार। जीवधर भी महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान है, जीवधर भी महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान रहे। तो महाराणा प्रताप के कितने दरबारी विद्वान हुए? दो, एक चक्कर पानी तो दूसरा जीवधर। चक्कर पानी की करती हमने अभी पढ़ी थी, एक तो पढ़ा विश्व वल्लभ। मूर्तमाला मूर्त मारतंडे, मूर्तमाला मूर्त मांडे, मूर्तमाला मूर्त मारतंडे, एक पढ़ा राज राज तिलक पद्धति या फिर राज्याभिषेक पद्धति व्यवहार दर्श। इसके बाद माणा प्रताप के दूसरे दरबारी की बात की तो वह है जीवधर, और जीवधर की करती है अमर शाह। कौन सी है? अमर शाह। इसके बाद देखो माणा प्रताप के बारे में जो हमें जानकारी देने वाले ग्रंथ है, साथ ही ले लिया इतिहास की पृष्ठभूमि को भी साथ ले लेते हैं। माणा प्रताप की जानकारी देने वाले ग्रंथ कौन कौन से हैं? देखो दुर्साडा पे मैंने कल बात किए थे कि दुर्साडा धुंधला गांव बीकानेर के हैं, धुंधला गांव बीकानेर। विरुद्ध क्षेत्री, विरुद्ध क्षेत्री यानी माणा प्रताप की क्षेत्र उपमाएं, माणा प्रताप की क्षेत्र उपमाएं क्षेत्र उपाधियां किसने लिखी थी? दुर्साडा। तो माणा प्रताप की उपाधियों का जो विशेष उल्लेख मिलता है वो विरुद्ध क्षेत्री में मिलता है और ये दुर्साडा ने लिखे। एक माला साधु या साधु राम, माला साधु या साधु राम प्रताप जीरा झूलना, जबकि मानसिंह जीरा झूलना जो लिखा है वो दुर्सा अड्डा ने लिखा है। ये है प्रताप जीरा झूलना, जबकि मानसिंह जीरा झूलना किसका लिखा, किसने लिखा? दुर्सा अड्डा ने। इसके बाद कन्हैया लाल सेठिया, कन्हैया लाल सेठिया अपने सुजानगढ़ का है, सुजानगढ़ चूरू से। पाथल और पीथल नाम से इन्होंने एक कविता लिखी, पाथल और पीथल नाम से करती है। इसके बाद केसरी सिंह बारट, केसरी सिंह बारट जो भीलवाड़ा से, सापुरा भीलवाड़ा से, केसरी सिंह बारट ने करती लिखी थी प्रताप चरित्र। सापुरा भीलवाड़ा में केसरी सिंह बारट का पनोरमा बनना है तो केसरी सिंह बारट प्रताप चरित्र, केसरी सिंह बारट ने क्या लिखी है? प्रताप चरित्र। अब देखो जो बातें हम चर्चा कर चुके इनको दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। महाराणा प्रताप के दो दरबारी विद्वान हैं,
एक का नाम चक्करपाणि, दूसरे का नाम जीवधर। चक्करपाणि ने लिखा है विश्व वल्लभ, राज तिलक पत्ती, राज्याभिषेक पत्ती, मूर्तमाला, मूर्त मार्तंडे विवाह। जीवधर ने लिखे अमरसा। महाराणा प्रताप की अन्य जो जानकारी देने वाले ग्रंथ रहे हैं, एक तो दुर्साडा ने लिखा जो विरुद क्षेत्रीय था, विरुद क्षेत्रीय है, इसमें क्षेत्र प्रकार की उपमाए दी है। इसके बाद माला साधु या साधु राम, इन्होंने लिखी थी प्रताप जीरा झूलना। इसके बाद कन्हैयालाल सेठ या जो सुजानगढ़ अपने चूरू से हैं, सुजानगढ़ है चूरू के हैं, इस सुजानगढ़ चूरू वाले ने एक पाथल पीथल नाम के कविता लिखी है। पाथल और पीथल, यहाँ पे पाथल जो संबोधन किया गया है वो महाराणा प्रताप को, और पीथल है, पीथल है बेटा, ये पीथल पीपल नहीं है, क्या है पीथल, तो ये पाथल है और ये है आपका पीथल, और पीथल के नाम से जो संबोधन किया गया है इसके अंदर है वो है बीकानेर के पृथ्वीराज राठौर, जो राय सिंह के बेटे हैं, कल्याण मलके कल्याण सिंह के नहीं, राय सिंह के भाई, राय सिंह के भाई कल्याण मल के बेटे, कल्याण मल इसके बेटे हैं सब, और किरणाली किरणी को एजबेंड किरण कवर को, और महाराणा प्रताप को दामाद। अब देखो ये पृथ्वीराज राठौड़ जो बीकानेर के हैं, ये कहाँ से हैं, बीकानेर, एको ब्याह किरण कंवर से हुआ था, और ये मेवाड़ के महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह की पुत्री इसके साथ इसका विवाह हुआ था। तो महाराणा प्रताप को रुकी लग गई हो, बटे हुए के बटे हुए, और महाराणा प्रताप को तायरे सुसुरु है, के सुसुरु ससुर है भाई, आपने कई बार कहा सुसुरु, मैं को सुसुरु आ रही है ना। तो पृथ्वीराज राठौड़ बीकानेर से हैं, इनकी शादी हुई थी किरण कंवर से, मेवाड़ के शक्ति सिंह की बेटी के साथ इनका विवाह हुआ था। पाथल, पाथल यहाँ पे संबोधन किसको, महाराणा प्रताप को, महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप को संबोधन किया गया पाथल से, और पीथल संबोधन किसको है, पृथ्वीराज राठौड़ को। इसके बाद केसरी सिंह बाहरट ने लिखी थी करती प्रताप चरित्र, प्रताप चरित्र, ये बात हम पढ़े। अब मैं थोड़ा सा आपको वेली कृष्ण इसी पृथ्वीराज राठौड़ की बात बताता हूं, बड़ी लंबी घटना घटी थी। पृथ्वीराज राठौड़ को अकबर ने गागरूनगढ़ दुर्ग झालावाड़ प्रगने में दिया हुआ था। जब कल्याणमल अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है तो राय सिंह और उनका छोटा बड़ा भाई पृथ्वीराज राठौड़ दोनों अकबर की सेवा में प्रस्तुत हो जाते हैं। अब पृथ्वीराज राठौड़ को उस समय गागरूनगढ़ दुर्ग झालावाड़ प्रगना जागीर में दिया, झालावाड़ प्रगना जागीर में दिया। कई कहानियां बनती हैं इतिहास में, अलग अलग विद्वान अलग अलग कहानियां बनाते हैं इसके अंदर। तो कहते हैं कि एक बार वहां पे गागरूनगढ़ दुर्ग झालावाड़ अकबर आए हुए थे, और कुछ इतिहास में करती हैं कुछ अलग प्रकार से, झूठलाया भी जा सकता है क्योंकि वो बात सत्य भी नहीं है। कई बार कहा जाता है कि ये दिल्ली चले गए, दिल्ली में महाराणा प्रताप ने लेटर वेटर लिखा, लेटर लिख करके वहाँ भेज दिया, भेजने के बाद उस समय पृथ्वीराज राठौड़ को कहा, ऐसा साक्ष्य नहीं है क्योंकि पृथ्वीराज राठौड़ उस समय गागरूनगढ़ दुर्ग झालावाड़ अकबर आए हुए हैं, अकबर आए हुए हैं, क्योंकि वो जो हम बातें करते हैं वो पाथल पीथल की बात के आधार पर करते हैं, पाथल और पीथल करती के आधार पे करें, ऐसा कुछ नहीं था। परंतु कुछ हद तक यहाँ पे बात साक्ष्य और लें तो यहाँ पे वेली कृष्ण रुक्मणी जी ग्रंथ कैसे क्या लिखा बात, पृथ्वीराज राठौर बीकानेर के हैं, गागरूनगढ़ दुर्ग झालावाड़ में रह रहे हैं, अकबर का आना होता है, अकबर उनको कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि महाराणा प्रताप अब मुझे बादशाह स्वीकार करने लग गए, शायद अधीनता स्वीकार कर लें। तो कहते हैं कि पृथ्वीराज राठौड़ ने कहा कि साहब अगर आप कहें, पृथ्वीराज राठौड़ हंसे मुच्छा का बट लगा के, अधीनता और प्रताप जी बोला हाँ, अकबर ने बोले कि बहम हो रही हो थारे, क्यों गयो बहम, ठेको तो मैं बेरू पाड़ ली भाई, ठेको तो बेरू पाड़ ली मैं महाराणा प्रताप जी, तो कहे प्रताप ने जो लिख के दी, जो बात लिख कर देता है ये वेली पृथ्वीराज राठौड़ उनको वापस सूचनाएं भेजता है,
और उसमें अधीनता न स्वीकार करने की सलाह दे है। कह ससुर जी थारा मन में अगर थोड़ी बहुत आ भी रही है तो ना करियो, ऐ सांप लेने दूध पियाने से कोई फायदो को नहीं है। तो कहते हैं कि वेली कृष्ण रुक्मिणी जी के माध्यम से महाराणा प्रताप को पृथ्वीराज राठौड़ ने अधीनता स्वीकार न करने की सलाह दी। अब ये वेली कृष्ण रुक्मिणी जी ग्रंथ लिखा किसने? पृथ्वीराज राठौड़, बीकानेर के। अभी मैंने बताया पृथ्वीराज राठौड़ जो है राय सिंह के बड़े भाई हैं, कल्याणमल के बेटे हैं और किरण कंवर के साथ इनकी शादी हुई थी। शक्ति सिंह की पुत्री के साथ इनका विवाह हुआ था। माणा प्रताप रिश्ते में इनके तायरे ससुर हैं। अब वेली कृष्ण रुक्मणी की जो भाषा है वो डिंगल भाषा है। कौन सी भाषा है? डिंगल भाषा में लिखा गया ये। कौन सी भाषा में? डिंगल भाषा में। अब बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, पूरी बता देता हूं। डिंगल भाषा में लिखा है। डिंगल भाषा अगर ऑप्शन में नहीं आता तो उत्तरी मारवाड़ी, यानी जो वेली कृष्ण रुक्मणी ने जो लिखा गया है वो डिंगल भाषा में लिखा गया। अब डिंगल भाषा का इस प्रकार से सुव्यवस्थित प्रयोग करने के कारण टेसिटोरी का नाम सुना होगा, इटली के इतिहासकार टेसिटोरी। उस समय इटली के इतिहासकार टेसिटोरी राजस्थान के साहित्य ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए अपने राजस्थान में आए हुए थे। और आपने सलियो घराई कौन पढ़ जा, लोग विदेश से अपनी किताब पढ़ना गया, देखो कहीं लिखा की है ना। तो कहते हैं कि पृथ्वीराज राठौड़ को इसी इटली के टेसिटोरी ने, इटली के टेसिटोरी ने इनको डिंगल का ओरेंज का, डिंगल का ओरेंज कहा जाता है पृथ्वीराज राठौड़ को, और ये उपमा दी इटली के टेसिटोरी ने। एक बार कहें कह आपने ऊंटड़ो थन बेरो, एक बार इट्ठे एक बार बैठे, ऊंटड़े पे बैठ गयो टेसिटोरी, ऊंटड़े पे बैठ गए, ऊंटड़े कुन बेरो कहता है थुई का बाल पकड़ ले। आप ऊंट के ऊपर थुई हो ना, उनके ऊपर जटी हुए हैं आजकल, तो टाबर के सिर के ऊपर भी न्यू मान लो ऊंट की जट सी है आजकल। कई टाबरा का ये उगला कपट पड़ा बिल्कुल साफ है, एक बुग्गो सो रखे अया को बुग्गो सो रखा करता। आपने ऊंट की जो थुई होती ना, ऊंट की थुई के ऊपर होया तो न्यू मान लो आजकल जो टाबर है ना वह ऊंट की थुई आड़ को काम है। तो टेसी टोरी बा ऊंट की थुई अगो बाड़िया पकड़ा को नहीं, वो ऊंट एक बार गेल और एक बार वो नीचे नीचे धड़ाक से पड़ गई जमीन में, पड़े नाक टूट गई। तो टेसी टोरी की क्या होगी? मृत्यु होगी। टेसी टोरी की मृत्यु कहाँ होती है? बीकानेर में। एक और तो बीकानेर में इसकी मृत्यु, तो छतरी भी कहाँ पे इसकी? बीकानेर में। देखो डिंगल का हुरेंस किसको कहा गया? पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़ कहाँ से? बीकानेर से। किसके पुत्र हैं? कल्याणमल के। किसके भाई हैं? राय सिंह के। किसके हस्बैंड हैं? बोलो हस्बैंड कहें गए किरण कंवर को। एंगो सुसरे वो नाम के शक्ति सिंह, एंगो ताए सुसरे वो नाम के माणा प्रताप। अब देखो इटली की टेसी डोरी की छतरी भी कहाँ है? बीकानेर। अरे जहाँ मरा वहीं पे दफना दिया, कौन लेके जाता है इटली इनको? इसकी जो भाषा बताई वेली कृष्ण रुक्मणी जी क्या है? डिंगल भाषा है। डिंगल ऑप्शन में ना मिले तो उत्तरी मारवाड़ी है। इसके बाद मैंने कहा कि पृथ्वीराज राठौड़ी ये जो लिखा है वेली कृष्ण रुक्मणी जी, गागरोनगढ़ दुर्ग झालावाड़ में बैठ कर लिखा है। अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि ये वेली कृष्ण रुक्मणी जी ग्रंथ कहां बैठकर लिखा गया, दिल्ली नहीं लिखा गया, गागरोनगढ़। कभी दिल्ली लिख दो तो गागरोनगढ़ दुर्ग झालावाड़ में बैठकर लिखा है। पृथ्वीराज राठौड़ जो स्वयं थे, उन पत्र जो भेजा था पृथ्वीराज राठौड़ ने माणा प्रताप को, जो पत्र भेजा स्वयं को तो पीथल और माणा प्रताप को पाथर, और स्वयं जो करती भी लिखते थे वो पीथल नाम से लिखते थे। यानी पृथ्वीराज राठौड़ किस नाम से करतियां लिखते थे? पीथल नाम से करतियां लिखते थे। इसी ग्रंथ के माध्यम से महाराणा प्रताप को अकबर की अधीनता स्वीकार न करने की क्या दी? सलाह दी। वेली कृष्ण रुक्मणी के भी चार भाग हैं, 18 खंड हैं। इसीलिए बीकानेर के दुरसाडा ने, धुंधला गांव वाले ने इसको 19वां पुराण और 5वां वेद कहा है। दुरसाडा ने वेली कृष्ण रुक्मणी को 19वां पुराण 5वां वेद कहा। अन्य पृथ्वीराज राठौड़ की जो करती हैं, गंगा लहरे, गंगारा दुआ, भागवते पुराण, क्या है? दसम भागवते पुराण। गंगा लहरे, गंगारा दुआ, दसम भागवते पुराण, ये करती हैं किसकी? पृथ्वीराज राठौड़ की।